गांधी इस वक्त पेशी के लिए निकली है, तीसरे दौर की उनसे पूछताछ ईडी में होनी है। और इससे पहले दो बार उनसे पूछताछ हुई, पहली बार तकरीबन दो घंटे उनसे पूछताछ हुई, कल जो पूछताछ हुई वो छह घंटे की पूछताछ रही, और आज एक बार फिर से उन्हें पेश होना था जिसमें वो अपने घर से निकल चुकी हैं। थोड़ी ही देर में ईडी दफ्तर पहुंच जाएंगी। कल हमने तस्वीरें देखी थी जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उनके साथ ईडी दफ्तर तक गए थे, राहुल गांधी उसके बाद वापस लौटकर धरना प्रदर्शन करते नजर आए थे, जिसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया था। फिलहाल आज लगातार दूसरी बार है जब सोनिया गांधी से पूछताछ हो रही है। इससे पहले उनसे एक बार जब पूछताछ हुई तो वो दो घंटे पूछताछ चली, फिर छह घंटे, और आज देखना होगा कि कितनी पूछताछ होती है। लेकिन जिस तरीके से उनकी तबीयत खराब रहती है, उस स्थिति में कल भी एम्बुलेंस की तैनाती, डॉक्टरों की तैनाती पूछताछ के वक्त की गई थी, आज भी कुछ वैसे ही प्रबंध किए गए हैं। थोड़ी देर में ईडी दफ्तर पहुंचेंगी सोनिया गांधी, और तस्वीरें, क्योंकि प्रियंका गांधी उनके साथ, आपको तस्वीरों में ये जो कार आपको दिख रही है उसमें प्रियंका आपको नजर आ रही है, कल भी वो अपनी माँ के साथ ईडी दफ्तर में मौजूद थी, वहां पहुंची थी क्योंकि तबीयत खराब थी। ईडी ने इजाजत दी थी कि परिवार का कोई उनके साथ रह सकता है, कहीं उनके अगर तबीयत बिगड़ती है तो कोई उनके साथ रहे।